इलेक्शन से पहले कांग्रेस भाजपा ने शुरू की रेणुका जी के 35,000 महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। कांग्रेस विधायक हाल ही में महिला मंडलों को जारी 15,90,000 तो BDC चेयरमैन NRLM के तहत दी गई 1 करोड़ से ज्यादा की रकम को बुनाने में लगे। उज्ज्वला ग्रहण सुविधा व आधा पास किराया जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने में जुट चुकी है भाजपा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने 23 सितम्बर को माइना में पुण्यतिथि समारोह में जुटी महिलाओं की भीड़ को बताया था अभूतपूर्व। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में इस बार जहां एक तरफ गिरफ्तार के मुद्दे पर हुआ पोलराइजेशन, क्षेत्र की समस्याओं अथवा विकास कार्यों पर हावी होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ इलाके के मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गत 1 अक्टूबर को स्थानीय कांग्रेस MLA विनय कुमार जहां विधायक निधि से कुल 159 महिला मंडलों को करीब 15,90,000 की राशि जारी कर चुके हैं। वहीं इलाके के अन्य महिला मंडलों को भी चुनाव से पहले इस तरह की राशि जारी करने के प्रयास जारी है। स्थानीय विधायक द्वारा पिछले करीब 6 माह से महिला मंडलों को 10,000 की राशि अनाउंस किए जाने का असर भी इलाके में दिख रहा है। और गत 23 सितम्बर को उपमंडल संगड़ा के माइना में वर्तमान MLA के पिता पूर्व विधायक प्रेम सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित पार्टी की विशाल जनसभा में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 गुना देखी गई। उक्त रैलियां व समारोह में बतौर मुख्य वक्ता शरीक हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तथा PCC अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्होंने पहली बार किसी जनसभा में इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं देखी। कांग्रेस की बैठकों अथवा कार्यक्रमों में महिलाओं की भीड़ जुटता देख क्षेत्र के भाजपा नेता भी हरकत में आ गए हैं। और BDC संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा गत माह से उक्त मुद्दे को लेकर 3 बार बयान जारी कर चुके हैं। पंचायत समिति अध्यक्ष एवं भाजपा नेता मेलाराम शर्मा के अनुसार 10,000 के प्रलोभन से जहां कांग्रेस विधायक ने क्षेत्र की महिलाओं को पहले ददाहू व ढसाकना में हुई पार्टी की बैठकों में बुलाया, वहीं इसके बाद महीना में हुई जनसभा में भी महिला मंडलों को बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ बुलाया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक के पद पर रह चुके मेलाराम शर्मा के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जहां ब्लॉक के 285 महिला SHG को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए करीब 48 लाख की राशि जारी की जा चुकी है, वहीं महिला स्वयं सहायता समूह के 30 VO को लगभग 63 लाख जारी किए गए हैं। और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1.25 करोड़ के करीब की राशि अब तक NRLM अथवा आजीविका मिशन के तहत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रोडो जूस, जैम और स्केच तथा अन्य लोकल प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली महिलाओं को पंचायत समिति द्वारा संगड़ा में एक दुकान भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। और महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला ग्रहण सुविधा व सरकारी बसों में आधा किराया जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। जानकारी के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र के कुल 73,600 के करीब मतदाताओं में से हालांकि आधे से ज्यादा अथवा लगभग 38,000 पुरुष वोटर है, मगर आमतौर पर ज्यादातर आदमी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं, जबकि ज्यादातर महिलाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य अथवा कार्डर वोट नहीं होती। इसलिए इलाके के 35,228 के करीब महिला मतदाताओं पर राजनीतिक दलों की नजर है।